प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने 1 दिसंबर 2016 से लंबित वेतनाम और एरियर की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। वहीं अपने खून से लिखा हुआ पत्र और गुलाब के फूल सहित ज्ञापन सौंपा। इंदौर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गौरव यादव ने कहा कि प्रशासन द्वारा विनियमितीकरण योजना के परिपालन में इंदौर जिले में कार्यरत आदिम जाति कल्याण विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को स्थायी कर्मी घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया, किंतु 38 माह बीत जाने के बाद भी एरियर और वेतनाम नहीं दिया गया।